तो जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इजाज़ और मेरे चैनल का नाम है जी आई जे रिव्यू। दोस्तों आज की वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा एक स्पेशल वीडियो होने वाली है और आज की वीडियो में मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ आइटन A49 के बारे में। और भाई ये डिवाइस पाकिस्तान में सक्सेसफुली ही लॉन्च हो चुकी है, तो डेफिनेटली बहुत से लोग इस डिवाइस को परचेज भी कर रहे हैं। तो ऑलरेडी दोस्तों इस डिवाइस का जो स्टॉक है 80% पाकिस्तान में से बिक चुका है, ये हकीकत बात है, ठीक है। और कह सकते हैं जी यार इस डिवाइस को मैं कहता हूँ कि परचेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यार इस डिवाइस में ना ही आपको कैमरा अच्छा प्रोवाइड किया गया है और ना ही दोस्तों आप इस डिवाइस में गेमिंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि क्या हमें आइटल A49 को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले इस डिवाइस के डिज़ाइन के बारे में। भाई बैक का डिज़ाइन मुझे बस अच्छा लगा है, ठीक है। कैमरा डिज़ाइन थोड़ा थोड़ा कॉपी किया गया है इन्फिनिक्स नोट 11 के बैक के कैमरा डिज़ाइन से। पहले दोस्तों आपको आइटल की डिवाइसेज में ना फिंगरप्रिंट की ऑप्शन नहीं थी प्रोवाइड की गई, लेकिन दोस्तों अब आपको आइटल A49 में फिंगरप्रिंट की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। अगर इसके फ्रंट डिस्प्ले डिज़ाइन की बात की जाए तो फ्रंट पर आपको वही घिसा पिटा पुराना डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है, वो है जी वाटर ड्रॉप डिस्प्ले डिज़ाइन। और दोस्तों एक वीवो वालों ने और उसके अलावा एक ओप्पो वालों ने और अब आइटल वालों ने अपना कभी भी फ्रंट का डिस्प्ले डिज़ाइन नहीं चेंज करना। दोस्तों अब बात करते हैं इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में। आपको यहाँ पे HD की रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई हैं और इस डिवाइस में दोस्तों आपको कोई भी कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की गई और ना ही दोस्तों आपको इस डिवाइस में कोई भी रिफ्रेश रेट नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है। और यहाँ पे आपको IPS का पैनल प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों आप आइटल की जो डिस्प्ले होती है ना, इनसे इतना भी ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करना कि यहाँ पे आपको क्वालिटी HD ही देखने को मिलेगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइटनिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्वालिटी कम देखने को मिलेगी और जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है ना, मीन्स के लाइट वगैरह आपको बहुत ज़्यादा आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगी, ठीक है। सो डेफिनेटली डिस्प्ले के लिहाज से भी दोस्तों ये डिवाइस अच्छी नहीं है। अब बात करते हैं यार इस डिवाइस में आपको जो रैम प्रोवाइड की गई है, 2GB रैम प्रोवाइड की गई है और 32GB रोम प्रोवाइड की गई है। दोस्तों बात करते हैं इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको 1.5 GHz का, मीन्स कि यहाँ पे आपको क्वाड कोर प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि दोस्तों इस डिवाइस में आपको ना ही UP22 की चिपसेट प्रोवाइड की गई है, ना ही दोस्तों आपको इस डिवाइस में UA22 या A25 की चिपसेट नहीं प्रोवाइड की गई, ठीक है। तो डेफिनेटली दोस्तों ये डिवाइस एक गेमिंग बेस्ड डिवाइस भी नहीं है। दोस्तों अब बात करते हैं इस डिवाइस के कैमरास के बारे में। आपको बैक पे 3 कैमरास की ऑप्शन प्रोवाइड की गई है। दोस्तों जो इसका फर्स्ट वाला कैमरा ना, वो है जी 5 MP का, जो इसका सेकेंडरी कैमरा वो भी 5 MP का है, जो इसका थर्ड वाला कैमरा दोस्तों वो एक AI लेंस प्रोवाइड किया गया है। अगर इसके फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात की जाए तो आपको फ्रंट पे 5 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है। दोस्तों अब बात करते हैं इस डिवाइस की बैटरी के बारे में। यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और यहाँ पे आपको किसी भी किस्म के फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन दोस्तों एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये डिवाइस दोस्तों आप कभी भी परचेज नहीं करना, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान में ना 1.92 मिलियन सब्सक्राइबर वाले भी कह रहे हैं जी, जो टेक की फील्ड में उनका बहुत बड़ा नाम है जी वीडियो वाले सरकार, वो कह रहे हैं कि अगर आपने स्मार्टफोन को लेना है तो बेसिक नीड के लिए, तो भाई ठीक है ये स्मार्टफोन। अगर आपने इस डिवाइस को किसी को गिफ्ट करना है तो भाई ये गलत बात है। अगर आपने किसी बंदे को डिवाइस गिफ्ट भी करना है तो भाई अच्छी डिवाइस दो, ताकि वो आपको दुआओं में याद रखे। ऐसा ना हो कि वो आपको हर दुआ में बदवाए दे या गालियाँ निकाले, आप समझ सकते हो यार। किसी बंदे को अगर आपने गिफ्ट देना तो भाई अच्छा दो, वो आपको याद रखे, ठीक है, सारी उम्र। अगर आपने वालदैन को देना गिफ्ट तो वो भी अच्छा दो यार। अगर अपने भाई को देना, फ्रेंड को देना तो अच्छा दो। इवन कि अगर आपने अपनी गर्लफ्रेंड को देना, फिर तो यार दोस्तों आप iPhone 13 Pro Max दो, वो तो फिर आपको और याद रखेगी। आई होप सो के आप समझ रहे होंगे। अगर दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। यार क्या कर रहे हो, सीरियसली यार क्या कर रहे हो, सब्सक्राइबर मेरे इंक्रीज नहीं हो रहे, डिक्रीज ही हो रहे हैं, यार क्या कर रहे हो। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब करो ना। दोस्तों आज की इतनी ही वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को लाजमी दबाना। अल्लाह हाफिज़।